We are going to start the chapter number 5, that is friction. So now in this chapter we will recall the force and the words static, rolling, kinetic. Okay, then we will learn about the applications of the concept of the friction. कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में. देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कि इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है. देन वी विल कोरिलेट द फ्लूइड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंट देन रेजिस्टेंस सॉरी देन वी विल डिस्टिंग्विश अबाउट कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स में क्या डिस्टिंग्विश होता है. दिस यू हैव डन इन सिक्स्थ क्लास ऑल्सो. Then we will classify the types of friction. अलग अलग तरीके के frictions को हम define कर सकते हैं, differentiate कर सकते हैं. Okay. Then today we will see that what do you mean by smooth and rough. Now you are big enough and you know the meaning of the word smooth and rough. है ना. स्मूथ मीन्स बिल्कुल प्लेन, मतलब जिसको हम हैंड लगाते हैं तो इट्स वेरी स्मूथ इनफ. एंड रफ मीन्स जैसे वॉल या जैसे रोड, है ना. अगर हम हैंड लगाएं रोड को तो कितनी खुरदरी लगती है. कोई भी चीज़ खुरदरी जो होती है वो रफ होती है. और बिल्कुल प्लेन हमें बहुत ग्लोजी सा लुक देती हुई और उसको टच करने पे भी ग्लोजी सी जो लगती है, दैट इज़ स्मूथ. सो यू हैव टू फाइंड आउट 5 स्मूथ सर्फेसेस एंड यू हैव टू फाइंड आउट 5 रफ सर्फेसेस. ओके, नाउ हैव यू एवर थिंक दैट व्हाई मूविंग बाइसाइकिल स्टॉप्स व्हेन वी पुट अ ब्रेक ऑन दैट ऑन द व्हील. Whenever we apply brake, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं बाइसाइकिल रुक जाती है. हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई Is it so? And then have you thought about the ball? Whenever you go to playground and you play there with the ball, तो आपने देखा होगा कि ball continuously चलते 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 पहले उसकी speed slow होती है, फिर धीरे 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 रुक जाती है. है ना, continuously चलती तो नहीं रहती ना. कुछ तो प्रॉब्लम है. नाउ अगर हम उसको नहीं रोक रहे, अगर कोई और चीज़ हमें रोकती हुई उसको नहीं दिख रही, तो क्या चीज़ उसको रोक रही है. सम एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, है ना. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस. ओके, देन स्मूथ एंड रफ सर्फेसेस. फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट स्मूथ एंड रफ सर्फेसेस. सी देखो, ये रफ, ये लेस रफ सर्फेस है, ये ज़्यादा रफ सर्फेस है और ये स्मूथ सर्फेस है. रफनेस में माउंटेन्स और वैलीज होती हैं, मीन्स कुछ ऊबड़ खाबड़ सा होता है, कुछ ऊपर कुछ नीचे. ठीक है, अब ये देखो, ये हमने सैंड पेपर लिए. जब हम 2 सैंड पेपर्स को बच्चे रब करेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रब वन ओवर अदर अनदर. ठीक है, बट इफ़ वी आर टेकिंग प्लेन पेपर्स तो हम देखेंगे कि इसको रब करना बहुत इजी है. वी कैन ईजीली रब दीज 2 सर्फेसेस. सो फ्रिक्शन को अगर हम इधर से डिफाइन करें, देन वट वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस. कब प्रोड्यूस हुआ? जब रफ रफनेस थी. और रफनेस ऑफ द सर्फेस डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. कि जितनी ज़्यादा रफनेस उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, मीन्स उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स. नाउ इसने किया क्या, अब हम आपको बता रहे थे, अभी आपने देखा दैट सैंड पेपर के ऊपर चल नहीं पा रहे, उसको रब नहीं कर पा रहे, तो उसकी स्पीड बहुत स्लो है. ठीक है, और प्लेन पेपर को हम इजीली बहुत अच्छे से तेज़ भी रब कर सकते हैं. सो वो जो रफनेस थी कहाँ थी, सैंड पेपर पे. सैंड पेपर ने रफनेस बढ़ाई तो फ्रिक्शन बढ़ गया. सो अल्टीमेटली इससे हमें कुछ पता चल रहा है कि फ्रिक्शन क्या है. फ्रिक्शन इज नाउ सी, अब उस वीडियो से अब हम देख सकते हैं दैट द व्हाट द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इज. द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
वो फोर्स जिसने ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज किया, मीन्स जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसको अपोज किया. एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ इन कॉन्टैक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट कब किया, जब वो ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस से या दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से इन कॉन्टैक्ट है. ठीक है, ये दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन. एक्टिविटी अभी करेंगे हम. देन सी द डायग्राम. अभी हमारा पुशिंग फोर्स दैट इज़ ब्लू एरो, ये पुशिंग फोर्स ये स्केट्स हैं. स्केट्स को हम ये स्कीइंग वाले स्केट्स हैं बच्चे, स्कीइंग पैडल्स हैं. तो इसको जब हम लेके जा रहे हैं किस साइड, लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट साइड में जब हम इसको लेके जा रहे हैं, वेयर द फ्रिक्शन इज मूविंग, फ्रिक्शन इज गोइंग ऑन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स राइट. ठीक है, अब देखो, सो फ्रिक्शन is always opposite to the applied force. Applied force जहाँ पर हम force apply कर रहे हैं और जहाँ पर काम हो रहा है, और friction उसके oppose करेगा उसको, कि उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसके opposite चलेगा. ठीक है, तभी तो उसकी speed धीरे 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 हो जाती है. अगर हम उसको external force हम कोई लगा भी नहीं रहे फिर भी वो एक rough surface पर जा रहा है, तो वो अपने आप धीरे हो जाती है कोई भी चीज़, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. देन सी अगेन, सी द फ्रिक्शन. इसमें भी अब ये देखिए, पुशिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट, मोशन टुवर्ड्स राइट. पुशिंग फोर्स और मोशन दोनों टुवर्ड्स राइट हैं, एंड देन आर फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट मीन्स ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द फ्रिक्शन वर्क्स. अब जहाँ पे भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, आप अपने दोनों हैंड्स को रब करो बड़ी ज़ोर से, अच्छे से. पहले अपने हैंड्स को देखो, अपने हैंड्स को, हथेलियों को देखो, हथेलियों को एक बार बिल्कुल स्ट्रेट दे के बैठो. आपके फिंगर्स हैं, फिंगर्स में आपको दिखेगा कुछ जगह तो ऊपर की तरफ है, कुछ नीचे की तरफ है. देन फिंगर्स के जस्ट नीचे आपको वैलीज दिखाई देंगी, फिर उसके आगे आओगे हाथ के ऊपर तो आपको माउंट्स दिखाई देंगे तीन या चार, दीज आर माउंटेन्स. फिर माउंट से नीचे आओगे तो अंदर के हथेली में अंदर वाली तरफ है जगह, फिर थंब के नीचे एक माउंटेन, फिर है रिस्ट से पहले माउंटेन, फिर है ना. सो आपका जो हैंड है वो इररेगुलर है, कहीं पे माउंटेन्स है कहीं पे वैलीज हैं. इन माउंटेन्स और वैलीज को नॉर्मली हम साइंस में क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं. ओके, सो ये अब इसको रब करो, और पहले धीरे से रब करके और साइड से इसको देखो. जब आप इसको रब करोगे तो एक हैंड के माउंट्स दूसरी हथेली में फंस जाएंगे, और जब वो फंसेंगे तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा रब करते हुए, है ना. अब इसको ज़ोर से लगाओ, ज़ोर से फोर्स लगाओगे तो आप देखोगे कि आपको हीट फील हो रही है आपके हैंड्स के अंदर. दैट इज़ हीट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन ऐसा क्या कर रहा है कि हीट भी प्रोड्यूस हो रही है ना. मोशन भी चेंज हो रहा है जी, और हीट भी प्रोड्यूस हो रही है. चलो देखते हैं अभी क्या करते हैं. तो एक एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन देखिए, कार है, कार इफ अ कार नीड्स टू स्टॉप, कार को हमें रोकना है तो वो रुक जाएगी. क्यों रुकेगी? जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, मीन्स हमने एक फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स क्या अप्लाई किया, ब्रेक. तो ब्रेक से क्या हुआ, ब्रेक व्हील्स और ब्रेक के बीच में एक रबिंग हुई दोनों के सरफेस के अंदर, और ब्रेक ने व्हील के ऑपोजिट उसके ऊपर फोर्स लगाया, जिस वजह से वो रुक गया. तो अब फ्रिक्शनल फोर्स लगा कैसे. सी ये जो ग्रीन एरो है ना, ये बेटा वेट है, वेट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स ग्रेविटी. देन जो ब्लू एरो है, ब्लू इज़ रिएक्शन फोर्स, मीन जहाँ पे इन कॉन्टैक्ट है हम दूसरे सरफेस के, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स जा रहा है उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं. बाकी इसको आप 9th-10th में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बट द फोर्स परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ नोन एज रिएक्शन फोर्स. देन येलो इज़ ड्राइविंग फोर्स, दैट आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन, दिस इज येलो. ठीक है, ड्राइविंग फोर्स. देन द मेन थिंग इज दिस वन, रेड दिस वन, दिस इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन देखो, आप ध्यान से देखो, फ्रिक्शन ऑपोजिट है,
किसके? ड्राइविंग फोर्स के, मींस मेरे मोशन के ऑपोजिट कौन है? फ्रिक्शन। एक और चीज़ ऑपोजिट दिखाई दे रही है, पर्पल एरो। नाउ दिस पर्पल एरो इज एयर रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो द फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय एयर। ओके, द ऑपोजिंग फोर्स क्रिएटेड बाय द एयर। ठीक है, सो दिस इज हाउ कि एक कार रुक पाती है, रुक सकती है। देन अब वी आर रनिंग, ठीक है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर क्या होता कि अगर हम नीचे ये सड़क ना होती और हम ऐसे इन्हीं शूज़ के साथ भाग रहे होते स्नो के ऊपर, या ऑयली कहीं पे भी ऑयल गिरा हुआ है उस सरफेस के ऊपर, या कहीं पे कीचड़ है या पानी है उस सरफेस के ऊपर, क्या हम इस तरीके से रन कर पाते? नहीं। अब इन शूज़ को अच्छे से देखो, ये शूज़ जो हैं, इन शूज़ के बीच में आपको दिखाई देंगे रफनेस। जो डिज़ाइन बना होता है वो डिज़ाइन नहीं होती, वो रफनेस होते हैं, ट्रीड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ये जो ट्रीड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ट्रीड्स जो माउंटेन्स और वैलीज जो रफनेस रोड के ऊपर है ना, उनके बीच में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये और ये आपस में फंस जाएंगे तो इंटरलॉकिंग हो जाएगी और आप भाग पाओगे, यू विल नॉट स्किड। ठीक है, आप फिसलोगे नहीं। लेकिन यही अगर यहाँ पे पानी होता या ऑयल होता या कीचड़ होता तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते ना अर्थ को, अर्थ मीन्स रोड को अच्छे से, क्योंकि इसकी रफनेस उसकी रफनेस में इंटरलॉक ही ना हो पाती। अब इंटरलॉक ना हो पाती तो उसकी रफनेस के अंदर भी, शूज़ की रफनेस के अंदर भी कीचड़ या ऑयल या पानी भर जाता, तो उन दोनों सरफेसेस के बीच में एक लेयर बन जाती जिसकी वजह से आप फिसल जाते। ठीक है, इंटरलॉकिंग ना हो पाती, और जब ऐसा होता दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन बहुत कम है। और अब इस केस में, तो बेटा आपने देखा कि अगर आप भाग रहे हो तो फ्रिक्शन के कारण, आप रुक रहे हो एकदम चलते चलते या भागते भागते तो फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, सो फ्रिक्शन मेक्स यू टू मूव, फ्रिक्शन मेक्स यू टू स्टॉप, फ्रिक्शन मेक्स यू टू रन। ठीक है, सो फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ। ओके बच्चे, then why we are coming on the cause of friction, that why friction is applied. So bachche, we are going to read about what are the causes of friction. First foremost cause is roughness. अब इस roughness को मैंने आपको zoom करके दिखाया, देखो अब इस zooming में देखो, ऊपर वाले surface की भी mountains और valleys हैं, mountains मतलब ऊँची जगह, valleys मतलब नीची जगह। ठीक है, नीचे वाले सरफेस के भी माउंटेन्स एंड वैलीज है। जब ये माउंटेन्स और वैलीज बेटा आपस में फंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, तो क्या होता है कि इसको, इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए, मींस इसको हमें एक दूसरे के ऊपर चलाना है, रब करना है, तो इसको रबिंग के लिए, इसको चलाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको मूव करेंगे। अब जब ये मूव करेंगे तो एक माउंटेन दूसरे माउंटेन को ओवरकम करेगा, तो इससे क्या होगा कि इसकी एनर्जी लगेगी, इसके पास जो एनर्जी है उसकी एनर्जी यूज़ होगी, वेस्ट होगी, एंड देन सो बेटा ये अब इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ्स दोनों जो हैं, माउंटेन्स और वैलीज, जब आपस में इंटरलॉक हो रहे हैं और रबिंग कर रहे हैं, तो मतलब इसके ऊपर स्लाइड भी करना है। स्लाइड करने के लिए बेटा जो इसके पास जितनी एनर्जी है वो इसको इसके ऊपर से जाने के लिए, इसके ऊपर चलने के लिए, इसकी कुछ कुछ एनर्जी वेस्ट होती जाएगी जब ये एक माउंटेन दूसरे माउंटेन को या एक माउंटेन वैली में फंस गया है, उससे ओवरकम करके ये आगे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चलते चलते जब इनकी ये इंटरलॉकिंग के कारण धीरे धीरे एनर्जी जो इनके पास थी वो वेस्ट होती चली जाती है, सो अल्टीमेटली एक पॉइंट आ जाता है व्हेन देयर इज़ नो एनर्जी एंड देन दे विल स्टॉप, है ना। अगर कोई बॉल के पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है तो बॉल इज स्टेशनरी। व्हेन वी अप्लाई फोर्स विद आर मसल्स, मतलब हम अपने मस्कुलर फोर्स से जब उस बॉल को थ्रो करते हैं तो उस बॉल के पास हमारी मस्कुलर एनर्जी है,
ठीक है, उसके कारण वो चल रही है। अब उसके पास ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जो कंटिन्यूसली उसको वो एनर्जी देता रहे, है ना। सो जब वो ग्रास के ऊपर चलेगी तो क्या होगा, ग्रास के ऊपर चलने से धीरे 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 वो ग्रास के माउंटेन और ट्रफ को जब कंट्रोल करती, ओवरकम करती, आगे जाएगी तो उसकी धीरे धीरे एनर्जी उससे ख़त्म होती चली जाएगी ना। तो एक पॉइंट आएगा कि उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरीके से बेटा हर जगह कहीं पे भी आप देखोगे, जहाँ पे भी कोई बिना एक्सटर्नल फोर्स के कोई चीज़ रुक रही है, दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि धीरे धीरे उसकी एनर्जी ख़त्म होती जा रही है। यही अगर प्लेन सरफेस होता तो उसको ओवरकम करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ कहीं से किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत क्या थोड़ा थी कि हमने इसके ऊपर जाना है, हमने उसके वैलीज़ को माउंटेन्स से हटाना है और माउंटेन्स को वैलीज से हटाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था ना बेटा, है ना। सो यही प्रॉब्लम है, यही कॉज है, यही रीज़न है फ्रिक्शन का। ओके, क्या कि दो इरेगुलर सर्फेसेस इंटरलॉक हो जाते हैं, तो उस इंटरलॉकिंग को फ्री करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एनर्जी वेस्ट होती है, एंड दैट इज फ्रिक्शन। नाउ सो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो दिस इज़ द आंसर, दैट फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज़ का इंटरलॉक हो जाना दो सर्फेसेस के बीच में जो आपस में कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। नाउ स्मूथ सर्फेसेस और रफ सर्फेसेस में क्या फ़र्क है बेटा, स्मूथ सर्फेस की जो इरेगुलरिटीज़ है बहुत थोड़ी है, बहुत छोटी हैं, ठीक है, बिटवीन द टू सर्फेसेस, वाइल जो रफ़ सर्फेसेस हैं उनकी इरेगुलरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बहुत थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ होंगी तो उसको ओवरकम करने के लिए भी बहुत कम एनर्जी लगेगी, इस वजह से स्मूथ सर्फेसेस पे फ्रिक्शन कम होता है। तो रफ़ सर्फेसेस में जब इरेगुलरिटीज़ इतनी बड़ी बड़ी हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसके ऊपर से आगे चलने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, है ना। तो एनर्जी लगाने के लिए उसकी एनर्जी उसको ओवरकम करने में ख़त्म हो जाएगी, जिस वजह से हमारी, हम ये कहते हैं कि रफ़ सर्फेसेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन मतलब एनर्जी यूज फॉर ओवरकमिंग द इरेगुलरिटीज़। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा है जहाँ पे सरफेस रफ़ ज़्यादा है। आप फिर इसको देख सकते हो, ये बॉक्स इसके ऊपर देखो, ये इसके ऊपर यहाँ पे स्लाइड हो रहा है ना, एक लोग के ऊपर एक दूसरा छोटा टुकड़ा लकड़ी का। तो अब आप उसको एनलार्ज करके देखो, वो सर्फेसेस जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है वहाँ पे माउंटेन्स और वैलीज़ हैं जो एक दूसरे को इंटरलॉक कर रही हैं और चलने से रोक रही हैं, ठीक है। अब चलने से रोक रही हैं, बट उसको तो चलना है, तो उसको एनर्जी उसकी उसमें वेस्ट होएगी, एंड दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शन। नाउ सी योर बुक बच्चे, फटाफट से देख लेते हैं एक बार, है वही सब जो आपने अभी पढ़ा है, समझा है। सो सबसे पहले उसने बताया कि हम बॉल को रोल करते हैं तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है, वो इट विल नॉट कीप ऑन मूविंग फॉर लॉन्ग, ठीक है, इट विल स्लोज डाउन। देन बाइसिकल को अगर हम पैडल करते रहते हैं तो पैडलिंग करते रहते हैं तब तक तो वो चलती रहती है, अगर हम पैडल करना रोक देते हैं तो वो थोड़ी देर चलती है फिर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके व्हील्स के अंदर ट्रीड्स हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, वो डिज़ाइन बना हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी वैलीज़ जो हैं वो रोड की माउंटेन्स के साथ इंटरलॉक होती है और एनर्जी लगती है, ठीक है बच्चे। सो इन द लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था बेटा, एक्सटर्नल फोर्स हमें स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में चेंज कर सकता है। सो अभी भी इसका मतलब कि बॉल रुक रही है या पैडल करते हैं तो चल रहा है, पैडल रोक दे तो वो रुक जाती है। अब मतलब अगर मोशन रुक रहा है दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स तो रुक चल रहा है ना, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। सो वो कौन सा फोर्स है? नाउ यू नो दैट इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, देन सी दिस इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन पे आ जाइए। नाउ ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, ठीक है। नाउ वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर अ सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, को जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे चलने की कोशिश करता है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, एंड दैट इज़ ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ मोशन, दैट इज़ नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो ऑटोमेटिकली लगता है, अपने आप लगता है। सो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द फोर्स इज़ अ
फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब जब दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में आएंगी तभी लगेगा. एंड देन दे विल ऑलवेज अपोज, देन now we understand that the force is a contact force and always opposes or tend to oppose the relative motion. जो भी हमारा motion है, direction of motion है, हमेशा उसके opposite चलेगा force of friction. ठीक है, that's why it is also known as tangent. It is also it the direction is there at tangential direction. Tangential बिल्कुल उसके corner से होता हुआ और उसके opposite होता हुआ, that is tangential. It is this word tangential is come from tangent. Tangent you know that you have learned in ज्योमेट्री. एक सर्कल के एक पॉइंट से जो एक लाइन जाती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं. तो इसके भी कॉर्नर से एक लाइन जा रही है बिल्कुल इसको ऑपोजिट, तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गई उसकी. नाउ एक्टिविटी वन, बेटा इसमें क्या है कि आपने एक प्लास्टिक ट्रे ली, एक वुडन ट्रे ली और उस पर आपने वो लिया क्या है, टॉय कास्ट ली और सैंड पेपर लिया, प्लास्टिक शीट ली, एल्यूमिनियम शीट ली, हैंड पेपर शीट ली, मतलब हम रफनेस बढ़ाएंगे और कम करेंगे. ठीक है बेटे, तो आप देखो मैच बॉक्सेस को हम एज अ टॉय कास्ट यूज़ कर रहे हैं वैसे यहाँ पे. तो एक मैच बॉक्स को हमने प्लेन रख लिया, एक मैच बॉक्स पे आपने सैंड पेपर चढ़ाया, एक मैच बॉक्स पे आपने प्लास्टिक शीट चढ़ाई, एक मैच बॉक्स पे आपने हैंड पेपर चढ़ाया एंड एक पे एल्यूमिनियम शीट चढ़ाई. ठीक है, अब इसको एक ट्रे में रखेंगे और ट्रे को हम ऊपर करेंगे. ठीक है, हम क्या देखेंगे कि जिसमें जहाँ फ्रिक्शन सबसे कम है वो सबसे पहले निकलेगी, है ना, और जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है वहाँ पे वो सबसे लेट निकलेगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने ये खुद अपने हाथ से करके देखो. मैच बॉक्स सबके पास है, एल्यूमिनियम फॉल सबके घर पे है, हैंडमेड शीट सबके घर पे है एंड सैंड पेपर भी सबके घर पे होगा, नहीं होगा तो भी सैंड पेपर छोड़ देना. ठीक है, देन प्लेन पेपर लगा के देख लेना, ऐसे ऐसे शीट्स लगा के देखोगे तो आप देखोगे कि जो प्लास्टिक ट्रे है, वुडन ट्रे है, ठीक है, और जो मेटालिक ट्रे है, इनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं, किस में कौन सी स्पीड जल्दी पकड़ती है और इन चारों में से सबसे पहले कौन चलना शुरू करती है और सबसे लेट कौन सी चलती है. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व टुडे. ठीक है, एंड यू हैव टू ऑल्सो सी द बाइक, सी द स्कूटर, सी द कार, उन सभी के व्हील्स देखिए, अपने शूज़ देखिए, शूज़ के नीचे देखिए, आपने अपने ट्रीज फाइंड आउट करने हैं कि ऐसे ऐसे ट्रीज और कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं. देन यू आर हैविंग द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, दैट दिस एक्टिविटी वन शोज दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, कि दो सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट में क्या है, मतलब जो दो सर्फेस अगर दोनों ही बहुत रफ हैं तो उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स और वैलीज के बाद में बता रखा है, जो नीचे वाली जगह जो बंद झुकी हुई जगह होती है, बम्प्स होते हैं उनको हम वैलीज बोल देते हैं, डाउन्स को, और जो अप्स होते हैं ऊपर की तरफ निकले होते हैं उनको हम माउंटेन्स बोल देते हैं. ठीक है, सो अब आप ये देखोगे दैट इट डिपेंड्स ऑन रफनेस. नाउ वी कैन नाउ हैव अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग दैट द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज interlocking with the irregularities of the surface. कि उसको we have to apply a force to unlock this interlocking. एक बार हम इस पर rub करने लगते हैं, interlocking हो जाती है, तो जब ये interlocking हो जाएगी then क्या होगा, इस interlocking से बाहर निकालने के लिए हमें force of friction force लगाना पड़ेगा, apply करना पड़ेगा. and ठीक है, एंड दैट जितना ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे दैट मीन्स उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. सो इट इज़ दिस इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज दैट मे बी व्यूड एज बेसिक कॉज ऑफ अ बिल्ट इन ऑपोजिशन एंड इरेलेटिव मोशन दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इंटर लॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज द बेसिक कॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस वन. एंड बच्चे इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये एक्टिविटी करके देखनी है. 5 स्मूथ और रफ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, उनको नोट डाउन करना है और यू हैव टू ऑब्जर्व द व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व द व्हील्स ऑफ योर स्कूटर कार एंड ऑल दैट.
ठीक है, जितना जितना काम का है वो सभी नोट करके रखना है एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी. ओके देन, बाय.